और आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की सिंध हाई कोर्ट आमद। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने जर जमानत की रकम जमा करा दी है। मजीद बात करेंगे असगर उमर से। असगर उमर बताइएगा, तफसीलात क्या है आपके पास? जी, आज आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में अबूरी हिफाजती इंतजाम और जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत ने दोनों बहन भाइयों की 3 जमानतें मंजूर कर ली थी। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 2 मुकदमात हैं, उनमें उनकी जमानत मंजूर की और 10-10 लाख रुपए के जब ये मचल के जमा करने आए थे तो आज आसिफ अली जरदारी रवायती खुशगवार मूड में थे क्योंकि वो जेलों और अदालतों को अपना दूसरा घर कहते हैं। और जब वकला ने उनसे कहा कि सर आप मुश्किल में आ गए हैं और यहाँ अदालतों में आना जाना आपका लगा रहेगा, तो आसिफ जरदारी ने कहा ये कोई नई बात नहीं है, इतना तो होता है इस तरह के कामों में, जो कहते हो उदास गर्मियों की सर्दियों की शामों में। उनका कहना था कि ये मेरे लिए नया काम नहीं है, बल्कि जो लोग मुझे थकाना चाह रहे हैं, परेशान करना चाह रहे हैं, मैं उन्हें थका कर दम लूंगा। जी असगर उमर, सारी सूरत हाल से आप आगाह रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।